तो हेलो एवरीवन गाइस, मेरे और एक न्यू वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में बताने वाला हूँ मेरे स्कूल लाइफ पर कुछ स्टोरी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे वैसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर के नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। तो चलिए शुरू करते गाइस। मेरा स्टोरी शुरू होता है क्लास फाइव से। क्लास फाइव में मैं रिजल्ट में बहुत ही खराब रिजल्ट किया था, तो पापा बोल रहे थे कि मुझे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ले जाएंगे। तो कुछ आंटियों ने मेरे को नहीं बोला, नहीं वो इधर में ही पढ़ के अच्छा होगा। तो मैं सिक्स में एडमिशन किया। सिक्स में एडमिशन करने के बाद, अरे कहना क्या चाहते हो, सिक्स सेवन क्लास सेकेंड डिविजन मतलब क्लास में मैं सेकेंड आया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ। और मैं जब एट में उठा तब मेरे कुछ चूतिया फ्रेंड बने, जैसे क्लास में सबसे ज़्यादा चूतिया मैं और मेरा एक फ्रेंड था विशाल नाम करके। और क्लास एट में पढ़ते पढ़ते बहुत कारनामे हुए, तो जैसे मेरे को एक सिक्स क्लास से लड़की से प्यार हो गया थी। फिर बाद में मैंने मेरे क्लासमेट लड़की से बोला, जो उसको जाके बोल दे जब मैं प्यार करता हूँ, तो उसने जाके उस लड़की को बोल दिया। तो लड़की ने एक दो दिन की बात मुझे बोल दिया थे, यस बोल दिया, फिर मैंने चॉकलेट भी दिया। तो बाद में हम लोगों का ब्रेकअप हो गया नाइन्थ क्लास में। हम स्कूल 7 बजे चले जाते थे हम दोनों, तो घूम फिर के प्रेयर के बाद 9:10 के बाद हम जाते थे स्कूल में, गेट के अंदर घुसते थे। तो बाद में फर्स्ट क्लास होने के बाद हम लोग बहुत ही चुतिया में करते थे। एक दिन क्या हुआ, फर्स्ट क्लास हुआ सेकेंड क्लास हुआ, तो टिफिन के बाद टिफिन दिया हम घूम फिर के, फिर टिफिन के बाद च्युइंगम खाए और च्युइंगम किया क्या सर के टेबल में लगा दिए। तो फिर सर आया क्लास कराने, सर तो बैठ गए, तो सर ने बोला किसने लगाया, तो कुछ लड़कियां सहतन थी मुझको फंसाने के लिए, तो मुझको फंसा दिया। बोले सर देवजीत ने लगाया है। तो सर पहले मुझे तो अच्छे से गले में पकड़ के, मतलब हमारा रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो पीछे में लेके जाके सर अच्छे से बोला, तो तू बोल किसने लगाया है तो मैं आपको तुमको छोड़ दूंगा। फिर मैंने बोला सर मुझको नहीं मालूम सर किसने लगाया, तो असली शैतान तो मैं ही था। बड़ा हरामी हो बेटा, तो सर को तो पता ही था। फिर सर थोड़ा समझाने के बाद मुझे साइड में ले जाके ऐसा मार दिया ना, मैंने तो पूरा हालत ही खराब कर दी। और एक दिन क्या हुआ, क्राफ्ट का जो क्लास होता था, तो मेरी से कुछ मूर्तियाँ बनाने के देता था। तो मैं और वो मेरा दोस्त विशाल नाम का, वो बहुत चुतिया थे, वो मिट्टी से पीछे में एक विवेकानंद का मूर्ति था, वो मूर्ति में हम तो कुछ तो आता नहीं था बनाने में। तो हम क्या करते थे, वो मिट्टी विवेकानंद जी के मुँह में फेंकते थे। फेंकने के बाद एक दिन तो पूरा मतलब उसका दाग पूरा रह गया। बोले थे हाँ अभी तो सर को बोल दूंगा, तुम लोग तो मार खाओगे। हम तो पूरा डर गए हम दोनों। फिर अच्छे से मोज दिया, फिर सर आने के बाद वो लड़कियाँ बोल दिया। तो सर देखा सामने अभी तो दाग है, तो हम दोनों को अच्छे से पहले पूछा सर ने, मैथ सर ने, तो अच्छे से पूछने के बाद हमको ले गया ऑफिस रूम में ले गया। तो ऑफिस रूम के लेने के बाद हम दोनों को अच्छे से पूछा पहले, तो मैं तो थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, वो एक नंबर का गधा था। तो सर ने मेरे को पूछा क्या हुआ बोल तू, तो बच जाएगा बोल। फिर दो सर आए पूरा रूम का मतलब सिटकारी जो होता है ना मतलब दरवाजे का, वो मार दिया। फिर तो ऐसा धुलाई मैं कही मत, मतलब दोनों को ही दिया। फिर मुझे थोड़ा आगे छोड़ दिया, क्योंकि मैं क्लास में सेकंड आता था, अच्छा भी था थोड़ा, मतलब वो मेरे को खराब कर दिया था। मतलब मैं भी इतना बुरा नहीं था, आपका भाई भी अच्छा है। मस्त जोक मारा रे। यही था मेरा वीडियो आज का। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो एक सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।